पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है. पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डेंजरस इन्फेक्शन या इन्फेक्शन. जैसे सिंपल भाषा में लिखो, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, सिंपल भाषा में. अगर आपको एग्जाम में भी आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, डेफिनेशन थोड़ी बहुत क्लियर होगी, आप एक नहीं आप हजार डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है. बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन चीज तो वो है, ठीक है. देखो इशना गाउन लगावन या ग्लोव्स पहनते हैं, ग्लोव्स ऐसे नहीं पहनते हैं, चुप करो. ग्लोव्स ऐसे नहीं, ग्लोव्स पहनने का एक तरीका है, ठीक है. ना 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 वो गलत है. अभी मैं आपको दिखाऊंगा सही तरीका कैसे है ग्लोव्स पहनने का, सही तरीका कैसे है गाउन पहनने का, सही तरीका कैसे है कैप पहनने का, फेस शील्ड, गॉगल, जो भी इसमें आता है वो सब कुछ. इसीलिए अभी एक बंदा उठेगा जो सब्जेक्ट बने, बट मैन ये आपको प्रैक्टिकल में आता है. मे भी अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होंगे एग्जाम के लिए तो उस टाइम में काम आएंगे, ठीक है. इसीलिए प्लीज एंड प्लीज कॉपरेट करना एंड अच्छे से याद रखना. ये आपको आज भी काम आएंगे, कल भी काम आएंगे, परसों भी काम आएंगे, टिल लाइफ काम आएंगे, ठीक है. ये बहुत अच्छा टॉपिक है. एंड पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट क्या चीज है? स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स आर इक्विपमेंट दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन है. अगर हम पर्पस की बात करेंगे, अगर हम इसके फायदे की बात करेंगे, पर्पस मीन्स फायदे, अगर हम इसके फायदे की बात करेंगे, फायदे क्या क्या होंगे, क्या क्या कैसे मोजिनी पलो से क्या कैसे, यानी कि टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, नंबर एक पॉइंट लिखो पर्पस में. एंड नंबर सेकंड प्रोटेक्ट द हेल्थ, प्रोटेक्ट हेल्थ. अब आप यहां पर बाहर सफाई करोगे, अब सबसे पहले क्या करोगे, मास्क पहनोगे, ठीक है. लगे ना मास्क, वन अगर ज्यादा गंद किया तो लगे ग्लोव्स दे, किम मूजूब बचन गसन अत खराब, सो अत खराब मीनस क्या गो, अत गसन इन्फेक्शन अतन पर जमा, ठीक है. अच्छा माना कि अत गसन अत क्रीन, अच्छा माना ना इस बीमार बीमार अगर जैसे कर करो, या इस वाला जैसे बीमार अगर जैसे मास्क लगो, इसीलिए तू सुई को टू प्रोटेक्ट हेल्थ, सो क्या गो टू प्रोटेक्ट हेल्थ, वो समझ गया. एंड नंबर थर्ड पॉइंट लिखो प्रोटेक्ट क्लाइंट हेल्थ. एक तो आपने तो अपना हेल्थ बचाया है, और दूसरा किसका हेल्थ बचाना आपको, क्लाइंट मीनस, क्लाइंट मीनस क्या गो, क्लाइंट क्यों को क्लाइंट, पेशेंट, वेरी गुड, ठीक है, पेशेंट. नंबर लास्ट क्या है, प्रोटेक्ट फैमिली हेल्थ. जब एक डॉक्टर साहब सर्जरी करके आएगा, या कोई केस करके आएगा, या हॉस्पिटल से आएगा, या आपका सर यहां से घर जाएगा, इसको एडजस्ट क्या करना है, इसको हैंड वॉशिंग करनी है, या इसको नहाना है, फिर जाके अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली के साथ बैठेगा, चाय पिएगा, मजे करेगा, इंजॉय करेगा. लेकिन बट बिफोर गोइंग टू एंजॉयमेंट, बिफोर गोइंग टू ज्वाइन द फैमिली, यू शुड गो फॉर बाथिंग, यू शुड गो फॉर बाथ, या एनी अदर, अगर हैंड सैनिटाइजर भी करोगे दैट इज एनफ, ठीक है. वो समझेगा, इसी डिपेंड करा ऑन द बेस ऑफ प्रोसीजर है, ऑन द बेस ऑफ मतलब कोता एक्सपोजर मिले होता है इन्फेक्शन से, ठीक है. अगर मैं मोस्टली यहाँ पे आया, मुझे मैंने तो किसी से टच नहीं किया, मैं सिंपली हैंड सैनिटाइज करूंगा, बस मेरे हाथ साफ हो जाएंगे. अगर मैं किसी गंदे चीज से टच करूंगा, या मेज से, या बेकुन चीज से, मुझे तो ऑब्वियसली बात है हैंड वॉशिंग करनी है. बट हैंड वॉशिंग के दो तरीके होते हैं, ठीक है. हैंड वॉशिंग दो टाइप, आगे मेडिकल हैंड वॉशिंग है, दूसरा है सर्जिकल हैंड वॉश. अगर बस पढ़ना तो कम से कम दो पढ़ना है, मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉश. अगर जिंदगी होगी तो बढ़ाएंगे, अगर जिंदगी नहीं होगी फिर भी आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है. फिलहाल अभी हम अपना मेन टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर अगर हमें लास्ट बैठा है बचा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं तो फिर भी देखते हैं, ठीक है. ये इसकी पर्पस है, ये इसकी फायदे है. पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट की फायदे हैं, क्या क्या फायदे मैंने आपको बोला. सबसे मैंने पहले बोला टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड मैंने बोला टू प्रोटेक्ट हेल्थ, नंबर थर्ड मैंने बोला टू क्लाइंट, प्रोटेक्ट क्लाइंट हेल्थ, एंड नंबर लास्ट मैंने बोला प्रोटेक्ट फैमिली हेल्थ, ठीक है. ये इसके फायदे है एंड वो इसकी डेफिनेशन है. अब हम इसके बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट किस किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, या कुछ कुछ पर्सनल प्रोटेक्शन किट में एवन. नंबर पहला आपने को ग्राफ बनाओ, ग्राफ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. जैसे कि आप यहाँ पर लिखो पीपी किट, सबसे पहले क्या आता है, ग्लोव्स आते हैं, लिखो आप ग्लोव्स जल्दी जल्दी. एंड दूसरा क्या आता है, गाउन, गाउन जी ओ डब्ल्यू एन गाउन. नंबर थ्री लिखी थी शूज कवर, फोर्थ लिखो मास्क, नंबर नेक्स्ट फेस शील्ड, नंबर लास्ट हेयर कैप, नंबर लास्ट हेयर कैप. इसमें एक और ऐड करो गॉगल्स, गॉगल्स. तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है. जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट में आते हैं ना, इसको हम लगाएंगे, और मैं आपको एक प्रॉपर वे बताऊंगा किस तरीके से ग्लोव्स लगा. चुप हो जाओ,
किस तरीके से ग्लोव लगाते हैं, किस तरीके से गाउन लगाते हैं, जो जो मेरे पास इक्विपमेंट साथ होंगे वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। होप सो कि आपको आप याद रखो कि इंशाल्लाह आप आगे भी ऐसे करोगे। ठीक है, मेरे पास दो तरह की गाउन्स हैं। ठीक है, फिलहाल हम पहले जो मेरा पहला एक वाला गाउन है, ये वाला गाउन है फुल। ठीक है, तो इससे हम पहले करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो मेरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डोनिंग करोगे, डोनिंग क्या है पहनना, कौन सी चीज पहनना, पर्सनल प्रोडक्शन। जब आप पहनोगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोनिंग।